हाय, दिस इज मनीषा सिंह। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। फ्रेंड्स, आई होप कि यू ऑल आर डूइंग वेल एंड गुड एंड आपकी प्रिपरेशन भी वेल इनफ यानी बहुत अच्छे से चल रही होगी। तो आ चुकी हूँ आप सभी के बीच लेकर एक और गवर्नमेंट जॉब की अपडेट, जो कि डायरेक्ट निकल के आ रहा है RRC ECR अप्रेंटिस की रिक्रूटमेंट 2023 के लिए। नो एग्जाम, डायरेक्ट रिक्रूटमेंट है। ऑल इंडिया की वैकेंसी, मेल एंड फीमेल दोनों ही कैंडिडेट अप्लाई करेंगे। तो आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि टोटल क्या पोस्ट आया है, पोस्ट वाइज जो आपको वैकेंसी है, आपको सेल वाइज डिवीजन वाइज डिस्ट्रीब्यूशन क्या रखा गया है, किस किस जोन में कितना कितना सीट दिया गया है, सिलेक्शन प्रोसेस, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, मतलब कंप्लीट डिटेल में हम लोग इसको डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, ज्यादा टाइम बर्बाद नहीं करते हैं, फटाफट से वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। एज आई टोल्ड यू, RRC के अंडर ECR में अप्रेंटिस की रिक्रूटमेंट आई है। आप सोच रहे होंगे RRC क्या होता है। रेलवे रिक्रूटमेंट सेल के अंडर ईस्ट सेंट्रल रेलवे पटना जोन में ये रिक्रूटमेंट आई है। आइए देखें टोटल पोस्ट कितना रखा गया है। तो पोस्ट की अगर बात करें तो 1851 सीट, मतलब बम्पर सीट है फ्रेंड्स। 1851-1900 के अप्रोक्स आपका ये सीट रखा गया है। तो चलिए देखते हैं ट्रेड वाइज कितना कितना सीट रहने वाला है। फर्स्ट ट्रेड है आपका फीटर का, इसके लिए 751 सीट रखा गया है। वेल्डर के पोस्ट के लिए 128 सीट, मतलब 128 सीट है वेल्डर के लिए। मैकेनिक डीजल के लिए आपको 129 सीट रखा गया है। रेफ्रिजरेटर या एसी मैकेनिक के लिए 87 सीट्स रहने वाले है। फॉर्जर एंड हीट ट्रीटर के लिए 24 सीट्स रहेगा। कारपेंटर के लिए 21, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक के लिए 246 आपका, फिर पेंटर जनरल के लिए 18 सीट्स रखा गया है। इलेक्ट्रीशियन के लिए 203 सीट्स, वायरमैन के लिए आपका 88 सीट्स है, टर्नर के लिए 44, मशीनिस्ट के लिए आपका 60 सीट्स रहने वाला है। ब्लैक स्मिथ्स के लिए आपका यहाँ पर 5 सीट है। लेबोरेटरी असिस्टेंट का भी 5 है। मैकेनिक MV के लिए 9 सीट है। ओवरऑल 1851 सीट्स को ट्रेड वाइज इस प्रकार से डिस्ट्रीब्यूट किया गया। टोटल 15 ट्रेड्स के लिए आपका इतना सारा सीट आया है। अब हम लोग देखेंगे डिवीजन वाइज क्या क्या सीट यहाँ पर रखा गया है। तो आइए देख लेते हैं। पहला डिवीजन है दानापुर। दानापुर डिवीजन के लिए सबसे ज्यादा सीट यानी 675 सीट रखा गया। फिर आपका पंडित दीनदयाल उपाध्याय के लिए 518 यानी 518, धनबाद के लिए 175, प्लांट डिपोर्ट या पंडित दीनदयाल उपाध्याय प्लांट डिपोर्ट के लिए आपका 135 है। कैरेज रिपेयर वर्कशॉप हरनौत के लिए 110 सीट्स रखा गया है। मैकेनिकल वर्कशॉप समस्तीपुर के लिए 110 सीट्स है। सिंपली समस्तीपुर जोन के लिए 81, सोनपुर के लिए 47, मतलब कि सारे डिवीजन में सबसे ज्यादा आपका है दानापुर डिवीजन और दीनदयाल उपाध्याय के लिए 518 सीट रखा गया। मतलब बहुत अच्छा खासा आपके लिए अपॉर्चुनिटी निकल के आया है। आइए अब देख लेते हैं कि फॉर्म कब से कब तक अप्लाई होगा। तो आपका जो ये फॉर्म है ना फ्रेंड्स, ये 10 नवंबर से ऑलरेडी स्टार्टेड है एंड लास्ट डेट टू अप्लाई 9 दिसंबर 2023 रहने वाला है। आपको 9 दिसंबर तक का इंतजार नहीं करना है। जितना जल्दी हो सके फॉर्म को आप अप्लाई करो, वो ज्यादा बेटर होगा। बाद में सर्वर इशू होगी, दिक्कतें आना शुरू हो जाती है तो बच्चे परेशान हो जाते हैं। चलिए बता दूं फॉर्म अप्लाई करोगे तो फी क्या आपको लगने वाला है। जनरल ओबीसी एंड ईडब्ल्यूएस से लिया जाएगा 100 रुपीज। SC ST एंड अदर जो भी कैंडिडेट है उनसे यहाँ पर कोई भी चार्जेस नहीं लिए जाएंगे। अब आइए समझा देती हूँ एज का क्या यहाँ पे क्राइटेरिया रखा गया। योर एज विल बी कैलकुलेटेड एज ऑन 1 जनवरी 2023। मिनिमम एज विल बी 15 ईयर्स एंड मैक्सिमम 24 ईयर्स, मतलब 15 से 24 साल के जो भी कैंडिडेट है वो अप्लाई कर सकते हैं। रिलैक्सेशन भी मिलेगा, ओबीसी को 3 इयर्स का एंड SC ST को मिलता है 5 इयर्स का। तो घबराना नहीं है, एज में भी आपको यहाँ पर रिलैक्सेशन दिया जा रहा है। अब जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, क्या होता है, क्वालिफिकेशन और एलिजिबिलिटी क्या रहने वाला है। तो आइए मैं समझा देती हूँ आपको। क्वालिफिकेशन की बात करें तो सिंपली 10th पास आउट और साथ ही साथ ITI पास कैंडिडेट, जिनका ITI NCVT एंड SCVT से जिन्होंने ITI कर रखा है वो सब एलिजिबल रहने वाले हैं। ऑल इंडिया का यहाँ पे मान्यता है, किसी भी यूनिवर्सिटी, किसी भी स्कूल बोर्ड यूनिवर्सिटी से पास आउट हो आपको यहाँ पे मान्यता मिलेगा।
मिनिमम 60% आपका होना चाहिए, मतलब 60% एक क्राइटेरिया है, उससे अभव वाले बच्चे ही फॉर्म अप्लाई कर पाएंगे। सबसे खास बात यह है, नो एग्जाम डायरेक्ट रिक्रूटमेंट यहाँ पर रहने वाला है। तो आप सोच रहे होंगे कि सिलेक्शन किस बेसिस पर होगा, तो आपका जो टेंथ और आईटीआई का जो टोटल परसेंटेज होगा ना, मान लीजिए 40% टेंथ का और प्लस मिनिमम 30% आपका रहने वाला है यहाँ पर आईटीआई का, 70% मान के चलिए, लेकिन जो 60% एंड एवब वाले बच्चे होंगे वो सब फॉर्म अप्लाई करिए आप लोग। और इसका बेनिफिट क्या मिलेगा, आप सोच रहे होंगे कि आप अप्रेंटिस करेंगे तो इसका क्या फायदा है, तो मैं समझा देती हूँ। अभी जैसे आप करोगे आरआरसी के थ्रू, रेलवे रिक्रूटमेंट सेल के तहत अगर आप इसमें अप्रेंटिस करते हो, तो जो आपका आरआरसी के अंडर ग्रुप डी की जितनी भी वैकेंसी आएगी ना, आपको इसमें बेनिफिट ये मिलेगा कि अगर अदर बच्चे का 70% पे सिलेक्शन होगा तो वहां पर आपका 50-60% अगर आप मार्क्स ले आते हो ना, तो आपका ग्रुप डी में आपको अच्छा पोस्ट मिल जाएगा। तो ये आपके लिए एक बहुत अच्छी बेनिफिट है। और साथ ही साथ आप प्राइवेट जॉब में भी अप्रेंटिस अगर कर रखे हो, आपके पास डिग्री है, मारुति सुजुकी होंडा बहुत सारे ऐसी कंपनी होती है जहाँ पे आपको अप्रेंटिस के लिए रखा जाएगा, अच्छी खासी सैलरी मिलेगी। तो रही बात कि आपका ये ट्रेनिंग पीरियड कितने समय के लिए होगा, ट्रेनिंग पीरियड होता है आपका 1 ईयर का। और रही बात की सैलरी क्या मिलेगी 1 ईयर तक, तो आपको 10,000 पर मंथ की जो होती है ना, वो आपको सैलरी दी जाएगी 10,000 रुपीज की। अब आप ये सोच रहे होंगे कि मैं तो गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहा हूँ तो मैं ये क्यों करूँ। बेसिकली हर कोई चाहता है सेल्फ डिपेंडेंट बनना, बच्चे जो तैयारी कर रहे होते कैंडिडेट्स उनका ये सोच होता है कि फैमिली के ऊपर बर्डन ना हो। तो आप चाहो तो ये अप्रेंटिस का ट्रेनिंग लेते लेते आप अपना पढ़ाई भी कर सकते हो, आपको एक सैलरी भी मिलेगी, आप सेल्फ डिपेंडेंट होके आगे बढ़ सकते हो। तो आपके लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, अगर आप इंटरेस्टेड हो तो फॉर्म जरूर अप्लाई करना। और अगर इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन आप देखना चाहोगे तो मेरे टेलीग्राम चैनल पे मैंने जाके पोस्ट कर दिया है, तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल पे मुझे फॉलो करो। साथ ही साथ इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज सबका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जाके वहां पे भी मुझे फॉलो कर लेना। वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक जरूर करना, अपने फ्रेंड्स के साथ भी इस इन्फॉर्मेटिव वीडियो को आप शेयर कर देना, और साथ ही साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो आप लोग और नोटिफिकेशन बेल को ऑल पे सेट कर देना, ताकि मेरी सारी फ्रेश जॉब की अपडेट सबसे पहले आप सभी तक पहुंच पाए। तो मिलूंगी आपसे फिर से किसी नेक्स्ट गवर्नमेंट जॉब की अपडेट के साथ, टिल देन स्टे ट्यून, बाय बाय, टेक केयर।